हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और आज दोस्तों मैं बताऊंगा कार चलाना कैसे सीखे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूं। ये हमारा स्टेयरिंग है और इधर हमारा ये होता है हैंड ब्रेक, और ये हमारा गियर लीवर, और ये क्लच है, ये ब्रेक है, और ये एक्सीलरेटर है, और इधर ये होता है स्पीडोमीटर। इधर हमारा होता है इंजन का जो टेम्परेचर होता है वो बताता है इस इधर, और बीच में हमारी स्पीड बताता है, और इधर राइट साइड में बताता है हमारा फ्यूल गेज कितना फ्यूल है। ठीक है दोस्तों, और ये जो साइड में दो लीवर होते हैं, एक ये वाला और एक इधर ये वाला, लेफ्ट वाले लीवर से जो हमारा विंडशील्ड का वाइपर होता है वो कंट्रोल होता है, और इधर वाले लीवर से, राइट वाले लीवर से हमारा हेडलाइट और जो हमारा इंडिकेटर होता है लेफ्ट राइट जाने के लिए। और यहाँ पर हमारी कार की लगती है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको हैंड ब्रेक के बारे में। ये हमारा हैंड ब्रेक, सबसे पहले हमें हैंड ब्रेक की आदत बनानी है। वो कैसे, जैसे ही हम गाड़ी में एंटर करते हैं तो हमें जो हैंड ब्रेक होता है उसे डाउन करना है। ठीक है, और जब हम गाड़ी कहीं पे भी पार्क करके और गाड़ी से उतरते हैं तो गाड़ी बंद करते ही हमारा हाथ हैंड ब्रेक पे जाना चाहिए और हैंड ब्रेक को ऊपर खींच देना है। ठीक है, ये हमें आदत बनानी है। गाड़ी खड़ी है तो हैंड ब्रेक लगा के खड़ी करनी है, और जैसे ही गाड़ी में बैठे तो सबसे पहले हैंड ब्रेक को नीचे करना है। ठीक है, हैंड ब्रेक तो हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम गियर लीवर की। तो गियर लीवर को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा इसके डायग्राम को। तो इसमें हमारी जो बीच में एक लाइन बनी हुई है, ठीक है, और इधर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये हमारा आर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रिवर्स। ये हमारा रिवर्स गियर है। ठीक है, ये हमारी जो बीच की लाइन है, तो ये बीच की लाइन होती है ये वाली, ये ऐसे हमने पूरी लाइन बीच वाली हमारी ऐसे हो रही है इधर उधर। तो समझो हमारा गियर न्यूट्रल है, हमारा जो गियर की पोजीशन है वो इस टाइम यहाँ पर है, थर्ड और फोर्थ के बीच में, यानी कि इस लाइन के, इस पूरी लाइन के बीच में इस टाइम हमारा गियर यहाँ पे है। तो हमारा गियर यहाँ पे होता है तो इसका मतलब होता है कि न्यूट्रल है गाड़ी। ठीक है, और इसको देखने के लिए कैसे पता करें कि हमारी गाड़ी न्यूट्रल है, इस लाइन को पूरी को ऐसे करके देख ले। अगर ये पूरी लाइन हमारी ऐसे हो रही है तो समझो कि हमारी गाड़ी न्यूट्रल है। तो अब हम फर्स्ट गियर डालेंगे, तो लाइन की तरफ ले जाएंगे इसे एंड पे, और फर्स्ट गियर हमारा ऊपर बना हुआ है तो इसे ऊपर की साइड करेंगे, तो हमारा फर्स्ट गियर डल गया है। ठीक है, अब उसी पोजिशन में गियर को रख के ऐसे हाथ रखना है अपने, और ऐसे ही ठीक नीचे करना है इसे, ये हो गया, और एक बार और करना है, तो ये हमारा सेकंड गियर हो गया। यानी कि ऊपर से हम पहले बीच में आए फिर सेकंड पे चले गए। अब हमें थर्ड गियर डालना है, तो थर्ड गियर के लिए हम इसको एक बार ऊपर करेंगे, तो ये हमारा ऊपर करते ही यहाँ बीच में आ जाएगा, और फिर ऐसे ही थर्ड की तरफ इसको कर देना है, तो हमारा थर्ड गियर डल गया। और फोर्थ गियर डालना है तो हमें कुछ नहीं करना, बस इसको सीधा नीचे खींचना है एक बार, फिर दूसरी बार। ठीक है, और जब हमें फिफ्थ गियर डालना है तो एक बार ऐसे बीच में करेंगे और फिर इधर करके फिफ्थ गियर की तरफ करेंगे, ये हमारा फिफ्थ गियर डल गया। और हमें रिवर्स गियर डालना है तो हमें रिवर्स गियर डाल के ऐसे पीछे करना है इसको, और इधर रिवर्स की साइड करके और नीचे करना है आर की साइड, तो हमारा रिवर्स गियर डल गया। जब भी हम गियर को हम मूव करते हैं तो हमारा गियर अपने न्यूट्रल पोजिशन में खुद आ जाता है, यानी कि यहाँ पे आ जाता है बीच में, इस लाइन के इधर, ये पूरी लाइन जो है इसके सेंटर में आ जाता है, तो ये हमारा न्यूट्रल होता है। जब भी हम गियर को मूव करते हैं वो ऑटोमेटिक हमारा बीच में आ जाता है यहाँ पे, और उसके हिसाब से आपको ऊपर नीचे करना है, जिधर भी हमारे गियर लिखे हुए हैं उसकी साइड करोगे तो वही गियर हमारा डल जाएगा। ठीक है दोस्तों, गियर भी हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम अपने पैडल्स की, जो हमारे ब्रेक और क्लच पैडल है और ये एक्सीलेटर पैडल है। तो इनको क्या करना है, हमने ये जो हमारा लेफ्ट वाला पैर है, तो इस लेफ्ट वाले पैर को ध्यान रखे हमें सिर्फ क्लच के लिए यूज करना है, और किसी पैडल पे इस पैर को नहीं रखना है लेफ्ट वाले को। ठीक है, ये सिर्फ क्लच के लिए यूज होता है, और इधर साइड पे एक जगह बना हुआ है, ये वाला, ये वाली जगह बनी हुई है, तो ये हमारा लेफ्ट वाला पैर, जब हम हाईवे पे होते हैं और क्लच हमें ज़्यादा यूज नहीं करना पड़ता है तो हमें इसे इधर रखना पड़ता है, ना कि क्लच के ऊपर रखे इसको। अगर हम क्लच के ऊपर ही अपना पैर रखे रहेंगे हाईवे पे भी या कहीं भी, जब ज़रूरत ना हो हमें क्लच की,
तो क्या होता है कि हमारी जो क्लच प्लेट होती है वो बर्न होती है। तो ध्यान रखें कि क्लच जब हमारा यूज नहीं करना है तो हमें पैर साइड पे रखना है इधर, ठीक है, क्लच पे नहीं रखना है। और ये जो हमारा राइट वाला पैर है, इस पैर से हमने क्या करना है, एक्सीलरेटर और ब्रेक यूज करना है। जब हमें एक्सीलरेट करनी है गाड़ी को तो हमें ये दबा के रखना है, और जैसे ही हमें ब्रेक लेनी है तो इसको ऐसे छोड़ के हमें ब्रेक यूज करना है। ठीक है दोस्तों, हमें ये तीनों पैडल भी समझ में आ गए हैं और अपने पैर की पोजीशन क्या रखनी है वो भी समझ में आ गई है। अब हम गाड़ी स्टार्ट करने के बारे में बात कर लेते हैं कि गाड़ी स्टार्ट कैसे करें। तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना है, सबसे पहले हमें गियर देखना है अपना कि वो गाड़ी हमारी न्यूट्रल होनी चाहिए। जब हम चेक कर ले हमारी गाड़ी न्यूट्रल है तो हम अपनी कार की इसमें डालेंगे और गाड़ी को अनलॉक करेंगे एक बार घुमा के, तो ये हमारी गाड़ी अनलॉक हो गई है। ठीक है, अब हम करेंगे इग्निशन ऑन दूसरी बार घुमा के। तो अब हमारा इग्निशन ऑन हो गया है, स्पीडोमीटर में आपके लाइट ऑन हो चुकी है। जैसे ही हम एक बार चाबी घुमाएंगे तो हमारे स्पीडोमीटर में ऐसे लाइट जल जाएंगी, और जैसे ही हम इसको तीसरी बार घुमाते हैं चाबी को तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हमने क्लच दबाना है पूरा और फर्स्ट गियर डालना है। फर्स्ट गियर डालने के बाद हल्के हल्के क्लच रिलीज करना है और हल्के हल्के एक्सीलरेट करना है, और जैसे ही हमारी स्पीड 10 की हो जाती है, 10 तक आप स्पीड कर लेते हो, उसके बाद दोबारा क्लच दबाएंगे और सेकंड गियर डालेंगे। सेकंड गियर डालने के बाद धीरे धीरे क्लच रिलीज करना है और फिर धीरे धीरे ही एक्सीलरेट करना है। फिर हम अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग तीसरा गियर डालेंगे और फिर से जो है चल देंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल से तरीके कार सीखने के बारे में जो कि मैंने आपको अभी बताए हैं। तो फिलहाल आज वीडियो में आज इतना ही, अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।